ये म्यूट म्यूट कुछ नहीं करना ठीक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। गुड, आवाज आ रही है, नहीं सुनाई दे रही? वेरी गुड, धवन सिद्धा, गुड। तो उस दिन पढ़ा था हमने बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब का काम कर लिया आप सबने, काम करते रहना, प्रश्न का उत्तर लिखते रहना, है ना। और आज हम पढ़ेंगे, गुड वेरी गुड नाइस नाइस क्लास, दिस इज अ गुड क्लास, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वेरी गुड। तो ये है अगला पार्ट है सीताराम सेक्सरिया, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना है ना। सीताराम सेक्सरिया जिनका जन्म 1892 से 1882 यानी कि लगभग 90 साल का इनका जीवन रहा है, लंबा छोड़ा जीवन रहा है। और इनका काम था केवल डायरी लिखना, रोज के डायरी लिखने का आदत थी, डायरी लिखा करते थे, उसमें से पाठ लिया गया है जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। थोड़ा सा इनके परिचय पढ़ लेते हैं। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ एक शहर है अपने राजस्थान के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर है, और बड़ा शहर है, बड़ा हवेली वाला शहर है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद ये वहां चले गए कलकत्ता, और कलकत्ता में अधिकांश इनका जीवन तो गुजरात में था, है ना। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया, अर्थात इनका परिवार जो है व्यापार करते वहां पर, और ये उसके साथ ही अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक और नारिक शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक संस्था बन गए, अर्थात कई सामाजिक संस्थाएं, कई सांस्कृतिक संस्थाएं और कोई नारी शिक्षा है जो शिक्षा है उनसे संबंधित शिक्षा जो संस्था है उनके चेयरपर्सन रहे हैं, संचालक रहे हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में गठन का हिस्सा रहे, अर्थात उस समय महात्मा गांधी देश के लिए लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, तो क्या नाम से सीताराम सेक्सरिया भी उनके साथ लग गए और अपना जो योगदान है पूरा स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में या स्वतंत्रता आंदोलन में आपने दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष बोस के करीब रहे हैं आप, इनों लोगों के अधिक अत्यंत नजदीक रहे हैं। महात्मा गांधी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, जानते होंगे आपको नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि पर, और सुभाष चंद्र बोस को आप अक्सर जानते हैं जिनको क्या नाम से आजाद हिंद फौज की गठन किया था, उन्होंने चलाया था, तो इनके बिल्कुल करीब रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान था, जब सत्याग्रह चल रहा था, सत्य का आग्रह कि आप देश छोड़ दो, आप जाइए, हमको आजाद कर दो, तो जेल यात्रा इनकी कई बार जेलों में भी आप गए हैं। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे हैं, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक वो गठन किया था सेना का, इसका नाम था आजाद हिंद फौज, उस आजाद हिंद फौज के आप मंत्री भी रहे हैं। भारत सरकार ने आपको 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, जो भारत सरकार ने पद्मश्री पद्मभूषण पद्मभूषण श्री, इस तरह से आपको पद्मश्री का सम्मान भी आपको अपनी सेवाओं के लिए अपने योगदान के लिए दिया गया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, अर्थात स्कूल में नहीं गया पढ़ने के लिए, किसी विद्यालय में नहीं गए, बल्कि घर पर रह करके ही और अपने स्वाध्याय से और कुछ लोग प्राइवेट टीचर से उनके माध्यम से आपने शिक्षा प्राप्त की। स्वाध्याय से पढ़ना लिखना, स्वाध्याय में सेल्फ स्टडी से आपने अपना पढ़ना लिखना जो भी है पढ़ा लिखा है काम सीखा। इनकी जो कृतियां है कैराम से किताबें हैं, स्मृतिकरण है, मन की बात है, बीता युग है, नई यार है, और दो भागों में कार्यकर्ता की डायरी उनकी लेखनी करते हैं, तो दो भागों में बटी हुई है कार्यकर्ता की डायरी, वो भी आपके लिखी है आपके, तो इस तरह से आपका जीवन रहा है और इस तरह से आपने सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक
और इन कार्यक्रमों के साथ साथ क्या नाम से देश की आजादी के लिए भी अपील भाई लड़ी अपना भाग दिया, ये पाठ हम पढ़ेंगे। इसका नाम है डायरी का एक पन्ना, और डायरी का जो एक पन्ना है उसमें क्या बातें हैं लिखी गई है वह है, क्योंकि डायरी के इसमें थोड़ा हांस किया गया है डायरी को थीम की, लेकिन थोड़ा भाग है, लेकिन बड़ा अच्छा भाग है, बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर, बड़ी अच्छी घटना है, क्योंकि उसने कलकत्ता में दाग लग रहा था कि पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है और कलकत्ता की तरफ कुछ नहीं हो रहा है, कलकत्ता में कोई खास काम आंदोलन आजादी के लिए नहीं चलाया जा रहा है। तो जब इन लोगों को पता पड़ा तो इन्होंने बैठे हुए और मीटिंग की, बैठकें की, और बड़ा पूरे देश के साथ साथ आंदोलन किया जो आंदोलन यादगार है। तो उसके बारे में आपने लिखा है, अंग्रेजों से देश को पाठ हुए, इस पाठ में क्या लिखा हुआ, पाठ के अंदर क्या बात है ये पढ़ना जरूरी है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, सत्याग्रह सत्य का आग्रह कि हम कह रहे हैं भाई आप जाइए देश छोड़िए, अब आपने बहुत दौड़ाई साल के भारत को राष्ट्र लिया है, अब यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, अब देश की सत्ता है यहाँ के लोगों को आप दीजिए, इस तरह से आंदोलन छेड़ रखा था महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की उम्मीद जगाई, जो आंदोलन शुरू हुआ इसमें आजादी स्वतंत्रता की प्रेरणा, सत्ता की अलग सत्ता की जागृति जगाए लोगों के अंदर कि देश में हर व्यक्ति को आजादी से रहने का अधिकार है और आजादी मिलना चाहिए। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निचाव करने को, अर्थात पूरे देश में ऐसे कई अनेक लोग, कई जो हमारे पूर्वज जो आगे निकल के आए क्या नाम से आंदोलन में जुड़े, जो अब तक क्या नाम से वो सोए हुए थे लेकिन जाकर के उन्होंने और अपना आजादी का आंदोलन चलाया। ये सिलसिला आगे भी जा रहा है और आगे भी लोग जागते रहे, काम करते रहे, सोचते रहे और आजादी के आंदोलन में लड़ते रहे। आजादी के 2.5 साल बाद अर्थात आजाद हो गया देश 1947 को, 1947 को, और उसके 2.5 साल बाद यानी कि 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन रहा, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, वो लागू किया गया। 15 अगस्त 1950 आजाद हुआ और उसके 2.5 साल के आसपास लगभग 1950 को 50 को गणतंत्र देश का कानून बना हुआ, कानून लागू हुआ। प्रस्तुत पाठ के लेखक, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं डायरी का एक पन्ना, उसके लेखक है सीताराम शेखसरिया का, आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों से एक है, अर्थात सीताराम शेखसरिया भी उनका नाम हम छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, ये बड़ा योगदान रहा है इनका सत्ता की आंदोलन में, लड़ाई में और लेखन में। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते सुनते और महसूस करते थे, अर्थात उस समय कलकत्ता के अंदर जो भी हो रहा था, जो भी घटनाएं घटती, जो भी देखते, जो भी आंदोलन होते, उनको क्या नाम से अपनी डायरी के अंदर लिखा करते थे, उसे अपनी डायरी में दर्ज कर लेते थे। रोजगार वे आज इस तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक जो जो भी घटना हुई रात तक वो अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला, अर्थात इस तरह का जो श्रृंखला है डायरी लेखन की, एक साल दो साल में कई वर्षों तक उन्होंने किए, कई सालों तक डायरी लिखते रहे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, अर्थात जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ के अंदर 26 जनवरी 1931 का जो 1931 का पूरा वर्णन है, उस दिन क्या हुआ, क्या घटना घटी, कैसे आंदोलन किया लोगों ने, वो पूरा इन्होंने लिखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश को का दूसरा सुल्तान दिवस किस जोश जोश से मनाया, अर्थात उस दिन जो आंदोलन हुआ लोगों ने आजादी मनाई, झंडों पर झंडे बनाए, घरों को सजाया गया, हर आदमी उत्साह उमंग के नाम से खुशी से घूम रहा था। तो ये जो अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए तो और विशेष महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुटाए, उस दिन को अंग्रेज सरकार थी यहाँ की, जो सरकार उसने यहाँ की जो
दास संग्राम के लोग थे, उन पर किस तरह की धाराएं लगाई, किस तरह की सजा दी, किस तरह का क्या नाम से उनको अंत में भाग लेने का अपराधी माना गया उनको, उसमें कई महिलाएं भी शामिल थी जिनको भी क्या नाम से जेल में डाला गया, उनके ऊपर भी धाराएं लगाई गई, कैसे लगाया गया, यही सब इस पार्ट का वर्णन था, सारी बातों का वर्णन इस पार्ट के अंदर दिया गया है। ये पाठ हमारे क्रांतिकारी की कुर्बानी को याद को दिलाता ही है, अर्थात देश के लिए किन किन लोगों ने भाग लिया, कैसे लड़े, कैसे सिर खुलाए, कैसे पुरुष की लाठियां खाई, ये तो हमको याद दिलाता ही है। साथ ही ये भी उजागर करता है एक संत की समाज का संकल्प हो तो कुछ भी नहीं जो वह न कर सकते, अर्थात एक समाज, समाज के लोग और जो भी है युवा साथी बुजुर्ग लोग इकट्ठे होकर के कोई काम करें, कोई हाथ अपने हाथ में लें, तो वो काम ऐसा नहीं कि वो काम नहीं हो, वो काम में अवश्य सफलता मिलती है, उस काम में निश्चित रूप से हमको विजय मिलती है, ये बात भी कही गई इसके अंदर, जैसा कल दिखाने में दिखाया। ठीक है, तो डायरी का एक पन्ना पाठ जो हम पढ़ते हैं, 26 जनवरी 1931 की बात है, 26 जनवरी 1931 आज का दिन तो अमर दिन है, अर्थात 31 तो कल पहले ही बात है, वैसे अमर है 1950 को देश का जो गणतंत्र लागू हुआ है, आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, अर्थात इस दिन पूरे देश में इंडिपेंडेंस आजादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया गया, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, मतलब आगमन था दोबारा, हर साल मनाते ना भी मनाते आ रहे हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन अगले साल फिर उसको मनाया, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी, अर्थात उसके लिए तैयारियां झंडे बनाना, मकानों को सजाना, आज क्या नाम से रैलियां निकालना, जिससे आज भी हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसी रूप में वहाँ के लोगों ने वो किया। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, थोड़ा बहुत सजिया था ऐसा, लेकिन इस बार जितना अपने देश ने दे दिया था, इस बार बिल्कुल दिल खोल के पैसा दिया, लोगों ने पैसा दिया, जिनके पास था वो पैसा दिया, नहीं था नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर आदमी ने अपना योगदान दिया, हर आदमी अपना पैसा दिया। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए, 2000 उस समय 32-32 के अंदर आजादी से पहले 2000 की बहुत बड़ी राशि होती होती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाया करते थे, 2000 2 लाख रुपये मांगे समय के, 2000 रुपये आज के 2 लाख रुपये हैं, इस तरह से वहाँ इकट्ठा किया गया, खर्च किया गया, सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और प्रत्येक व्यक्ति समझा कि ये काम मेरा है, मेरे घर का है, मेरे देश का है, मेरे राष्ट्र का है, ये काम मुझे करना है, इसमें पैसा को नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं, वह अपने ऊपर ले रखा था, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया था, अर्थात घरों में गए, प्रत्येक घर में गए, लोगों को समझाया, लोगों को चेतना लाए, लोगों को जागृति लाए कि देश आजादी हमको जरूरी है, देश का आजाद होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप आइए और इस समारोह में शामिल होइए, तो इसलिए लोगों ने एक तरह से अपना घर का काम समझ करके और काम किया। अब आती बात क्या नाम से कोलकाता की, वहाँ किस तरह लोग इकट्ठे हुए, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, जो बड़ा बाजार है वहाँ के मकान थे, वहाँ पर देश का झंडा है वो लोगों ने फहराया, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे ऐसा मालूम होता था कि मानव सत्ता मिल गई हो, अर्थात जैसे आजादी आ रही है हमको मिल गई हो, सत्ता आपको प्राप्त हो गई हो, इस तरह से प्रत्येक घर में झंडा प्रत्येक घर को बढ़िया सजा सजा करके और रखा गया था, ऐसा मालूम होता है मानव सत्ता मिल गई हो, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए था, कलकत्ता जो शहर था उस शहर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक जो मोहल्ला है वहां पर हर घर सजाया गया और हर घर में झंडा ऊपर कराया गया, जिस रास्ते में मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और निरंतर बना हुआ था, जहाँ से लोग निकलते थे जहाँ से लोग जाते थे उसी रास्ते में लोगों के अंदर उसी थी एक प्रकार का क्या नाम से उत्साह था, एक प्रकार की मन के अंदर नवीनता थी, हम आजाद हो रहे हैं, देश आजाद होने जा रहा है, ऐसी आजादी आज मिल गई हो, लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, अर्थात उस दिन 31 तारीख को जितनी वहाँ कलकत्ता की सजावट की गई, जितना मकानों से सजाया गया, वैसी सजावट वैसा माहौल पहले लोगों ने कभी नहीं देखा, पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लेकर प्रदर्शन कर रही थी, और एक तरफ जो शासन था
और अंग्रेजी अपनी पुलिस को पूरे शहर में घुमा रही थी, कहीं किस पर रोड कटाना हो, लोग के आराम से आंदोलन करें, लोग के नाम से लीला निकालें, इसे पूरा ध्यान रखा जाए। तो वहाँ पर गश्त गश्त करना मतलब निगरानी करना कर रही थी पुलिस। मोटर लारियों में दौड़ के और सार्जेंट प्रत्येक मोटर तैनात थे, अर्थात जगह जगह के नाम से जो सार्जेंट है सिपाही है और क्या नाम से ये गोरखे होते हैं नेपालियों को होते हैं और गोरखे जवानों को बोलते हैं, अर्थात ये तैनात कर रखे थे कि आप जाइए और यहाँ पर देश के अंदर एकता के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का इस तरह का आंदोलन में भाग न ले। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई है, कितनी लारियां उतनी गाड़ियां जितनी कुछ गाड़ियां शहर के अंदर घूम रही थी, निगरानी कर रही थी, गश्त कर रही थी, देख रही थी, ये काम कर रखा था। गुरुद्वारों का प्रबंध था, गुरुद्वार जो घोड़े पे सवार होते हैं सिपाही, अर्थात उन सिपाहियों पर टोलियां भी जगह जगह घूम रही थी, हर मोहल्ले में हर गली मोहल्ले में वो गुरुद्वार घूम रहे थे, यानी पुलिस का पुख्ता ताजा प्रबंध था वहाँ पर। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, ट्रैफिक होती है यातायात का ध्यान रखती है, वो पुलिस वहाँ नहीं थी, उसकी जगह उन ट्रैफिक पुलिस वालों को भी आम पुलिस को लगाया जाता था, जनरल पुलिस को लगाया जाता था कि गाड़ियाँ वगैरह ध्यान बात कर लेंगे, पहले इस व्यवस्था को उस कानून को जो लोग बिगाड़ रहे हैं उसकी बिगाड़ नहीं रहे थे, लेकिन उनके हिसाब से बिगाड़ रहे थे तो इनको ठीक करना है। तो शहर में घूम रही थी और सारी पुलिस को इसी काम में लगाया करता, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, जनरल पुलिस हो, ग्रामीण पुलिस हो, उनकी जो सेवाने की उन सबने सबका काम यही था कि देश में प्रदेश में कलकत्ता के अंदर शहर के अंदर के नाम से काम व्यवस्था बनी रहे और कोई भी इस तरह की जो बात है इस तरह का जो आंदोलन है उसमें न आए। बड़े बड़े पार्कों का मैदानों को पुलिस ने सिवरे से घेर लिया था, अर्थात जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं पार्कों के अंदर मीटिंग करते हैं बैठने करते हैं, उन पार्कों को उनके नाम से बगीचों को पुलिस वहाँ तैनात कर दी गई थी, कोई आदमी इकट्ठा नहीं हो गया, पर 5,000 इकट्ठे नहीं हो गए और इसी तरह की कोई मूवमेंट इस तरह कोई आंदोलन इस तरह कोई हरकत यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो इस तरह से सुबह से ही जल्दी 5-6 बजे के आसपास पुलिस पहुंच गई थी वहाँ और पहुंच करके उन्होंने पार्क को घेर लिया। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, मॉन्यूमेंट की स्थान है कोलकाता के अंदर जैसे हमारे यहाँ क्लब है पार्क है वैसे वहाँ मॉन्यूमेंट की जगह है, तो वहाँ सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, अर्थात उनको लग रहा था कि आंदोलन यहाँ से शुरू होगा, अर्थात यहाँ लोग इकट्ठे होंगे बड़ी जगह है, तो उस जगह को पुलिस ने सुबह से ही घेर लिया था, सुबह से वहाँ इकट्ठे हो गए थे ताकि लोग ना आ जा सके, सुबह से वहाँ कर लिया। पर तब भी कई जगह तो भोर में झंडा भरा गया, लेकिन आदमी कुछ ज्यादा होशियार थे, कुछ 6 बजे गए 5 दिन लोग झंडा भराए वहाँ पर और इकट्ठा होना शुरू हो गया। सिद्धानंद जो पार्क था कलकत्ता के अंदर, सिद्धानंद के नाम से पार्क है, वहाँ प्रांतीय विद्यार्थी संघ के अर्थात जो स्टेट जो स्टूडेंट फेडरेशन है प्रांतीय विद्यार्थी संघ उसको बोलते हैं, प्रांतीय मतलब स्टेट स्टूडेंट फेडरेशन, उसके जो मंत्री रहे हैं अविनाश बाबू, अर्थात अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने झंडा लगाने आए और झंडा लगाने आए तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पुलिस ने उनको रोक लिया और लोगों को मारा या हटा लिया, कई लोगों को डंडे मारे लाठियां मारी और वहां से हटाने का प्रयास किया गया, हटा दिया गया है ना। उसी प्रकार से तारा सुंदरी भी एक पार्क है, तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजा कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री जो कांग्रेस कमेटी है संगठन है उसके युद्ध मंत्री थे हरिश्चंद सिंह, हरिश्चंद सिंह जी को झंडा बनाने गए थे और वे भी न जा सके, पुलिस का पहरा था और पुलिस की पाबंदी थी, पुलिस की पाबंदी के कारण नहीं जा सके, उनको बाहर से आना पड़ा, वहां पर काफी मारपीट हो गया था, जब अंदर का प्रयास किया उन्होंने पुलिस ने उनको रोका मारपीट टीम के साथ और 2-4 आदमी पे सिर फट गए, 2-4 आदमी पे छोटे में आएंगे लाठियां पड़ी डंडे पड़े तो उनके सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, अर्थात गुजराती जो लड़कियां हैं गुजराती महिला है गुजराती जो है गुजराती सेविका संघ के नाम से संघ भी चलता था, तो उन्होंने भी वहाँ जुलूस निकाला, वो भी निकले वहाँ से, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उस जुलूस के अंदर शामिल हुई और आंदोलन में भाग लिया, उनको भी कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, वहाँ की पुलिस थी पुलिस ने उन लड़कियों को कलकत्ता सेविका संघ की जो लड़कियां थी उनको भी गिरफ्तार करके ले गए।
11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय के अंदर सुन और 11 बजे के आसपास जो मारवाड़ी जो स्कूल चलता था वहाँ उससे स्कूल की जो लड़कियाँ थी उन्होंने भी वहाँ पर झंडा उत्सव मनाया, देश का झंडा मनाया। ज्ञान की देवी मदालसा बजा राहुल बजाज के नाम पर और नारायण था उनकी लड़की थी मदालसा जेडी भी बना हुआ ज्ञान की देवी बजाज ये कॉलेज है वो भी उसमें शामिल हुए। ऐसी महिलाएं भी उसके अंदर शामिल हुई इकट्ठी हुई और उन्होंने भी स्कूल में जाकर के वहां पर झंडा फहराने का काम किया। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब, कुटर उत्सव से त्योहार से क्या मतलब समझाया गया कि इसलिए हम क्या नाम से देश के लिए आजादी के लिए राष्ट्र के लिए झंडा फहरा रहे हैं और जब राष्ट्र आजाद होगा तो हम स्वतंत्र होंगे तो हमारी सारी बंदी से दूर हो जाएगी, इसलिए काम किया जा रहा है, इसलिए हम झंडा फहराए जा रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरह की बात वहां पर लड़के को बताई गई। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, जगह जगह पर झंडे बनाए जा रहे थे, मकान को सजाया गया था, हर मकान पर झंडा था, हर व्यक्ति खुशी और उससे उत्साह और उमंग के साथ घूम रहा था, जगह जगह फोटो उतर रहे थे और फोटोग्राफी की जा रही थी, फोटो उतारे जा रहे थे, अपने भी फोटो का कभी प्रबंध किया था अर्थात इस आंदोलन के लिए क्या नाम से शेख सरिया जी वगैरह ने भी अच्छा प्रबंध किया आंदोलन के लिए कि भाई कहाँ कहाँ किस तरह काम हुआ ये उनका पास भी कैमरा था। 2-3 बजे के आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णदास और कुसुम राय 2-3 बजे के आसपास इस स्वतंत्रता के जो मुख्य नेता थे मुख्य कार्यकर्ता थे उनमें नाम आता है एक तो पूर्णदास और दूसरा आता है कुसुम राय, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का बार पूर्णदास बता रहा था, जो पूर्णदास है सुभाष बाबू का जो आंदोलन था उस आंदोलन का उस मूवमेंट का क्या नाम से जुलूस का पूरा भार उनको रखा था जिसकी व्यवस्था आप करेंगे लोगों को लेके आप जाएंगे तो, पर ये प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था और स्त्रियों ने भी अपनी संगठन है अपने संगठन के द्वारा सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनका अपना जो स्वयं की तैयारी थी स्वयं कर रहे थे। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पहुंचने की कोशिश कर रही थी अर्थात स्त्रियों को पता था कि कहाँ जाना है कहाँ से निकलना है, पहले तय हो गया था और उस तय के मुताबिक निश्चित स्थान पर उनको जाना है, इस तरह से स्त्रियों ने अपनी तैयारी कर रखी। मोनुमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था अर्थात मोनुमेंट जहाँ लोगों को इकट्ठा होना था उस मोनुमेंट के स्थान पर जहाँ पहले जो तैयारियां थी वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, लोग पिछड़ गए लोग कर दिए लोगों को उतार कर दिया गया, इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे अर्थात वो अंग्रेजी पुलिस थी और वो तो कुछ भी कर सकती थी कुछ भी अपना रंग दिखा सकती थी तो पर वह कब रुकने वाले थे। 3 बजे से मैदान में हजारों आदमी की भीड़ होने लगी और 3 बजे के आसपास जो मैदान था वहां से हजारों लोग निकले कलकत्ता के शहर से और वहां पर इकट्ठे हो गए। लोग टोलियां बनाकर झुंड बना करके और क्या नाम दल बना करके समूह बना करके मैदान में घूमने लगे मैदान के अंदर आ गए। आज जो बात थी वो निराली थी अर्थात ऐसा मौका ऐसा बात ऐसा दृश्य वहाँ के लोगों ने पहले नहीं देखा जैसा आज हो रहा था, जैसी भीड़ आज इकट्ठी हो रही थी जैसे लोग आज आ रहे थे जैसा आंदोलन का लोगों के अंदर मूड था ऐसा मूड पहले नहीं देखा। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ कानून का मतलब है देश के लिए कानून की तरह आंदोलन का काम था देश की आजादी के लिए लड़ने का काम था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई चाहे कोई सा आंदोलन रहा हो कोई सा कार्यक्रम रहा हो उतनी भीड़ जितनी भीड़ आज थी उस भीड़ के बराबर वहां पर पहले लोगों को नहीं देखा गया इतनी भीड़ आज थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी सीधी डायरेक्ट लड़ाई थी ओपन लड़ाई पूरी लड़ाई पूरी चलना कि हम लड़ेंगे हम आजादी चाहिए हमको हम आजादी लेकर रहेंगे इस तरह से वो डायरेक्ट उसको बोलते ओपन लड़ाई वो कर रहे थे। कलकत्ता के लोग आमने सामने आ गए थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था क्या निकाला उन्होंने अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती जो भी व्यक्ति आएगा पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ धारा लगेगी उसको जेल में डाल दिया जाएगा उसको सजा होगी ये नोटिस पहले से ही पुलिस कमिश्नर है पुलिस आयुक्त है उन्होंने जारी कर दिया था। जो लोग काम करने वाले थे
उन सबको इस पत्रों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझ जाएगा। अर्थात जो भी नेता थे, जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी प्रतिनिधि थे उस आंदोलन को चलाने वाले, उनको पहले नोटिस दे दिया गया कि यदि आपने ऐसा काम किया, आपने क्या नाम सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई, सरकार के खिलाफ कोई भी पुस्तक की, तो आपको फला धारा के अंदर, फला कानून के अंदर, फला एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आप दोषी समझ जाएंगे, आपको दोष आपके ऊपर रहेगा। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था। अगर काउंसिल जो है, जो लोगों के लिए काम कर रही थी काउंसिल, उसने नोटिस निकाल दिया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाए, कि शाम को ठीक 4:24 पर देश का, राष्ट्र का झंडा फहराया जाएगा, आजादी का झंडा फहराया जाएगा। वहां पर सब लोगों को आना है, सब लोगों को इकट्ठा होना है और चाहे पुलिस मारे, लाठी चलाए, कुछ भी करे, डरना नहीं है और उसी स्थान पर आपको पहुंचना होगा। तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा है वो ली जाएगी, सर्वसाधारण की उसकी होना चाहिए, सबकी, प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे बच्चा हो, लड़कियां हो, युवा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति को शहर से निकल करके वहां आना है, शहर से निकल करके मॉन्यूमेंट के पास पहुंचना है। खुला चैलेंज लेकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई, इस तरह से सीधी डायरेक्ट फाइट उसको बोलते हैं ना, खुला चैलेंज पहले ऐसा नहीं दिया गया सरकार को, अंग्रेज सरकार को, जो उस दिन लोगों ने वहां पर किया था। ठीक 4:10 पर, 4:24 टिकट होना था, लेकिन ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू दूसरे के आए, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद वाले थे, वो वहां दूसरे करके पहुंच गए और उनको चौरंगे पर ही रोका गया। चौरंगी स्थान है कलकत्ता के अंदर, चौराहा है और चौरंगी, तो वहां पर ही क्या नाम से सुभाष बाबू को रोक लिया गया कि आप वहां सुबह में नहीं जाएंगे। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस पुलिस को रोक नहीं सकी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस से तो थोड़ी थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, पुलिस के लिए लोग आ रहे थे वो काफी संख्या में थे, अर्थात उन लोगों को वहां पर उसने नहीं रोक पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। जैसे मैदान के पास पहुंचे, मैदान के मोड़ पहुंचे और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, तो जुलूस में आ रहे थे लोग उनको लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। बहुत आदमी घायल हुए, काफी लोग घायल हुए, चोटिल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, अर्थात सुभाष बाबू ने भी लाठियां खाई। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, वंदे मातरम के नारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगाए जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। ज्योतिर्बाबू गांगुली वहां के भी कार्यकर्ता थे उस आंदोलन के, उन्होंने सुभाष से कहा कि आप पीछे आ जाइए, पीछे हट जाइए, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, आपको मारेगी, लेकिन वो नहीं हटे कि नहीं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं आना है, है मुझे आगे बढ़ना है, आगे आए का नाम से जो मॉन्यूमेंट है और जो मैदान है वहां तक जाना है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये सब तो अपने सुनी हुई दिख रहे हैं कई बातें, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष खास नहीं था। सुभाष बाबू और सीताराम जी शेख सरिया जी थे, वो इनके अंदर ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, ये अपने आंख से देखा था, ये मैंने अपने आंखों देखा किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद के नेता थे, वो किस प्रकार से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम की जय बोल रहे थे, ये मैंने अपने आंखों से पास से देखा है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला दिया था, पुलिस ने अपने लाठियां चलाने का काम तेज कर दिया था, बहुत तेज गति से वहां जुलूस में आए लोगों पर लाठियां बरसा रहे थे, लाठियां चला रहे थे। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देख कर था उसका बहता हुआ खून देख कर आग बुझ जाती है। क्षितिज चटर्जी भी उनके लिए कार्यकर्ता थे, वहाँ के आंदोलनकारी थे, उनका सिर फट गया और सिर फटने उनके का नाम से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, इससे देख कर सभी लोगों का वो खून जोश में आ गया। इधर ये हालत हो रही थी, उधर स्त्रियां मूवमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहराए थे, दूसरी ओर जो महिला है वो जो मॉन्यूमेंट है वहां उसके सीमा चढ़ गई और चढ़ा कर गया अपना झंडा उन्होंने वहां फहरा दिया था। स्त्रियां बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, अर्थात स्त्रियों की संख्या काफी थी वहां पर, प्राय सबके पास झंडा था, हर स्त्री के पास एक एक झंडा था, दो झंडा उन्होंने वहां फहराया।
जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लौट गए, पढ़ने पर भी हटके नहीं गए, और जो भी कार्यकर्ता और वॉलेंटियर जो भी वहाँ लोग थे वो पीछे नहीं हटे, लाठियों से लाठियाँ खाते रहे, लेकिन वही डटे रहे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठा कर लाल बाजार लोगों में भेज दिया गया। मैं सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया और उनका सीधा क्या नाम से जो लाल बाजार लोगों है उसका जो क्या नाम थाना है वहाँ पर उनको भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां मुस्कुराकर वहां से निकली और थोड़ी देर के बाद भी स्त्रियां धीरे धीरे करके वहां से निकल गई। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई, अर्थात लोगों का कुछ पड़ गया, लोगों की संख्या कम पड़ गई और पुलिस को ठंडी पड़ गई, लाठी फटकारना कम कर दिया, उन्होंने कम कर दिया। उसने फिर डंडे चलाना शुरू किए, थोड़ी देर बाद फिर लाठियां चलाई। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी आए, अर्थात इंसान ज्यादा थे, लोग ज्यादा थे, लाठियां ज्यादा पड़ी तो घायल हो गए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जो टूट गया, अर्थात जो स्थानिक यहाँ पर जिसको बोलते धर्म तल्ला गया, वहां पर पहुंचा, वहां जो टूट गया बिखर गए और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई, कुछ महिलाएं चली गई और कुछ महिलाएं वहां पर ही बैठ गई, वो जाना नहीं चाहती थी, वहीं बैठना चाहती थी। पुलिस ने उनको पकड़ कर लाल बाजार भेज दिया और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार करके वहाँ से लाल बाजार के जो पुलिस लॉकअप है वहाँ पर भेज दिया गया। स्त्रियों का एक बार आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, विमल प्रतिभा नाम की जो महिला थी, सुपर सेनानी थी, वह उसका नेतृत्व कर रही थी, वह आगे बढ़ा रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई, अर्थात पुलिस ने उनको बहु जो बाजार है उसका जो मोड़ है वहाँ पर उनको रोक लिया गया और आगे नहीं बढ़ने दिया गया उनको, और प्रभाजी उसी मोड़ पर वहीं पर बैठ गए। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी, अर्थात वहाँ पर जो लोग आ रहे थे जा रहे थे इकट्ठे हो रहे थे उनको भी पुलिस ने काफी लाठियाँ चलाई। इस प्रकार करीब 4 घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया, अर्थात पुलिस की लारी लारी के घर बिठा करके और सबको वहाँ जो लाल बाजार थाना है वहाँ ले गए, ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया जिनमें मुख्य था प्रजलाल गोयनका, जो कोई दिन से ही अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था। दमदम एक स्थान है कलकत्ता के अंदर, दमदम जहाँ पर एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ पर वो मेन रूप से काम कर रहे थे। उनको पकड़ लिया गया, पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता और मोनुमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने पास ही गिर पड़ा। जब तो उससे कोशिश की भागने की तो वहीं गिर गया और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़ कर फिर जेल ले जाने के बाद छोड़ दिया था, लाठी मार के पकड़ लिया लेकिन थोड़ा आगे ले जा करके और वापस उनको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का दुष्ट बनाकर लाल बाजार गया और वहां से गिरफ्तार हो गया, अकेला नहीं गया, वहाँ 200 आदमी इकट्ठा किया आसपास से और उनको लेकर के और दादा थाने गया और वहाँ जाकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। मदाल साहब भी पकड़ गए, मदाल साहब जो जानकी मदाल साहब जिनका नाम जानकी बजाज, उनको पकड़ लिया गया था। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में मारा गया था, थाने में उनके साथ मारपीट की गई, सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई, स्त्रियों की संख्या थी लगभग 105 के आसपास गिरफ्तार हुई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया, रात को समय हो गया 9 बजे के आसपास सबको जेल पर छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई, अर्थात इससे पहले चाहे कोई अनियम हुआ हो, अनियम हुआ था लेकिन हुआ हो उसमें भी इतनी स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उस दिन गिरफ्तार किया गया। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी छोड़ कर आए हैं और कई की हालत संगीन है, अर्थात कई लोगों ने पुलिस ने मारा है, कई की हालत खराब है, कहाँ पर गांधी मंडा, और उनके लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी आप भेजिए। जान की देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी थी, डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रहे और फोटो खुलवा रहे थे, उस समय 66 आदमी वहाँ जा चुके थे, बाद में 103 तक आ पहुंचे थे, इस वजह से वहाँ पर 103 आदमी इकट्ठे हुए। अस्पताल पर पहुंचे, अस्पताल गए, लोगों को देख रहे हैं, मालूम हुआ कि 160 आदमी को अस्पताल में पहुंचे हैं और जो लोग घरों में चले गए थे, जो घरों में चले गए थे वे अलग है, अर्थात उनकी संख्या अलग है वहां से। इस प्रकार 200 घायल जरूर है,
पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला तो लाल बाजार के इलाकों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वो महापुर था, पहले नहीं हुआ ऐसा। बंगाल के नाम पर कलंक लगा हुआ था, कलकत्ता के नाम पर यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा, यहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे। वो धुल गया था, जहाँ काम नहीं हो रहा है वो आज बहुत अच्छे में धुल गया, काफी संख्या में लोगों ने धो दिया उसको। लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, अर्थात लोग इकट्ठे हो, लोगों के अंदर क्या नाम से एकता हो तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। ये बात इस पार्ट के अंदर है, प्रश्न इसमें कल देखेंगे अपन। और आज इतने काफी टाइम भी हो गया है ना, एंड कर देता हूँ मैं, एंड करूँ मैं एंड मीटिंग फॉर ऑल या लिव मीटिंग। हाँ हाँ एंड मीटिंग।